हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बड़े लंबे टाइम से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आ रही है और आजकल के टाइम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ऐसा इस वीडियो में क्या है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टीनेज बच्चों के अंदर यूरिनेशन के या बेड वेटिंग के बारे में। यंग जब चिल्ड्रन हो जाते हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टीनेज में हो जाते हैं, तब भी कुछ बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं और पेरेंट्स इस बात से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, परेशान होते हैं। इवन कई बार तो टीनेज लोग भी खुद ये वीडियोस वगैरह नेट पे सर्च करते हैं कि टीनेज में अगर बेड वेटिंग है तो उसका क्या इलाज है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेड वेटिंग को कहा जाता है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस कहा जाता है, यानी कि रात में बिस्तर गीला करना, उसको एन्यूरेसिस कहा जाता है। ये बड़े बच्चों में भी होती है, छोटों के अंदर तो ये बहुत ही कॉमन होती है क्योंकि उनका अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। टाइम के साथ साथ लोगों का अपना ब्लैडर पे कंट्रोल बनने लगता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आने लगता है और लोग जो है एन्यूरेसिस यानी कि बेड वेटिंग करना बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी एन्यूरेसिस और सेकेंडरी एन्यूरेसिस। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको प्राइमरी एन्यूरेसिस के बारे में। प्राइमरी एन्यूरेसिस क्या होता है? जो कि छोटे बच्चों के अंदर होता है और जो कि कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, यानी कि अगर ये टीनेज के अंदर भी है, यानी कि ये बच्चे लोगों को बड़े लंबे टाइम से प्रॉब्लम है और ये कॉन्टिन्यूटी में चलती आ रही है और इसका उनको कोई इलाज नहीं मिल रहा है, दैट इज मेन प्रॉब्लम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी एन्यूरेसिस। दूसरा जो है फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी एन्यूरेसिस की। सेकेंडरी एन्यूरेसिस क्या होता है कि जब मान लीजिए जब छोटा बच्चा है वो बेड वेटिंग करता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसका अपने ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल आने लगता है और बच्चे ने जो है बेड वेटिंग करना बंद कर दिया, लेकिन अचानक से 6-7 महीने के बाद बच्चा फिर से बेड वेटिंग करने लगा, 1 साल के बाद, 6 महीने के पीरियड के बाद जब बिल्कुल नहीं कर रहा था तब फिर से एकदम से बच्चा बेड वेटिंग करने लगा, तो इसको हम सेकेंडरी एन्यूरेसिस कहते हैं। इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर कारण होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस होना, टेंशन लेना, कुछ ज्यादा तला फला खाना, इन सब चीजों से सेकेंडरी एन्यूरेसिस होता है। तो अगर इसका एक बार कॉज पता लग जाए तो उसका इलाज संभव होता है। तो अभी हम बिना कुछ देर किए हम सीधा चलते हैं कि क्या हम इसका इलाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इलाज से पहले मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, वो ये कि एन्यूरेसिस के ऊपर छोटे बच्चों की तरह ही बड़े बच्चों का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आप ये ना समझें कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं आता है, इतने बड़े बच्चे भी कोई बेड वेटिंग करते हैं, ये सोच करके बच्चे को बिल्कुल ना डांटें। अपने बच्चे को इवन आप ये कहें कि बेटा, अगर आपको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है तो आप इसको इस चीज से शर्माएं नहीं, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ इतना चेक करवाने के लिए हम डॉक्टर्स के पास चलते हैं। इससे बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चा जो है आगे के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग ऐसी प्रॉब्लम तो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका कोई हल नहीं है और उसका हल निकालना भी जरूरी है। अगर हम बच्चे को डांटेंगे, उसकी थोड़ी अगर हम उसको इंसल्ट फील कराएंगे तो फिर बच्चे का हल बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, तो बेटर है उसको कंफर्टेबल फील कराएं। अभी हम चलते हैं इसके इलाज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं इलाज बताने वाली हूँ ये टीनेज पीपल के लिए भी है, यानी कि बच्चे खुद जो है, बड़े बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चों के ऊपर इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, कंट्रोल द लिक्विड इनटेक। ये कहने में बहुत इजी लगता है लेकिन ये सबसे बड़ा फैक्टर है। सोने से पहले जो लोग दूध पीते हैं, लिक्विड्स वगैरह लेते हैं, उनका 80% चांस होता है कि वो बेड वेटिंग करते ही हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, अगर ये एन्यूरेसिस की प्रॉब्लम चलती आ रही है तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करें और ये ध्यान रखें कि सोने से पहले अपनी फ्लूइड इनटेक को बिल्कुल बंद कर दें।
नंबर टू आता है हमारा बेडवेटिंग अलार्म्स। बेडवेटिंग अलार्म्स के सबसे ज्यादा सक्सेस रेट देखे गए हैं। एक बेडवेटिंग अलार्म आप अमेजोन से खरीद लीजिए, बहुत महंगे नहीं आते हैं, नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। बेडवेटिंग अलार्म लगा लीजिए, बच्चे के अंडरवियर के अंदर उसको इंसर्ट किया जाता है। जैसे ही बच्चा यूरिन करने लगता है अलार्म बजने लगता है और बच्चे को यूरिन के लिए उठ के जाना पड़ता है। दूसरा देखिए, एक तो ये बात हो गई कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बजर जो है बजने लगा है, बीप करने लगा है, बच्चे को यूरिनेशन के लिए लेके जाना है। अगर आप एक टीनेज हैं और एक बहुत गहरी नींद में आप सोते हैं तो आपको जैसे ही आपका बजर बजे, आपको पता लगे, आप तुरंत उठ करके यूरिनेशन के लिए जाएं। तो बेड वेटिंग अलार्म जो है सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है, आप एक बार ये जरूर ट्राई करें। अगर बेड वेटिंग अलार्म अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसके लिए क्या करें, मैं आ रही हूँ अभी तीसरे पॉइंट पे। अगर बेड वेटिंग अलार्म अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मल एक अलार्म क्लॉक यूज कीजिए। जी हाँ, अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी, अगर आप एक टीनेज हैं तो भी। इसको कैसे यूज करना है, आप सोने के बाद रात को नॉर्मली 3 से 4 घंटे का, 4 घंटे के बाद का अलार्म जो है अपने अलार्म क्लॉक में सेट कर दें या फिर अपने मोबाइल के अंदर सेट कर दें। 3-4 घंटे के बाद जब अलार्म बजने लगता है आप तभी के तभी उठ करके एक बार खुद यूरिनेट करके आ जाएं, अपने ब्लैडर को एम्प्टी कर दें। इस बात को ट्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसको अपनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बिल्कुल सेफ है और एक हेल्दी ब्लैडर ट्रेनिंग भी ये हो जाती है। नंबर 4 आता है हैवी स्लीप। जिन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हैवी स्लीप होती है या वो डीप स्लीप में सोते हैं, उन बच्चों के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो रात को बेड वेटिंग करते ही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम ADH कहते हैं। ADH क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो एक ऐसा हार्मोन होता है जो यूरिनेशन को कम करता है, जो यूरिन के बनने को कम करता है। कई लोगों के अंदर ये कम बनता है, या जो कह सकते हैं ना कि हमारे ब्लैडर के मसल्स का और ब्रेन का कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता है और बच्चे यूरिनेट कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हैवी स्लीपर्स जो होते हैं, जो डीप स्लीप करते हैं बच्चे, उनको आप ब्लैडर की ट्रेनिंग करवा सकते हैं। रात को 4-5 घंटे के बाद बच्चे को उठा करके यूरिनेट करवा दें, उससे बच्चे की ब्लैडर ट्रेनिंग हो जाती है। उसके बाद नंबर 5 आता है हमारा मेडिकेशंस। जब किसी भी चीज से बात नहीं बनती तब हम मेडिकेशंस के ऊपर आते हैं। मेडिकेशंस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक नॉर्मल ADH सिंथेटिक, यानी कि सिंथेटिक एंटी डायूरेटिक हार्मोन आपको देते हैं, जिससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है। यानी कि जब तक आप दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहता है, जब आप दवाई बंद कर देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो दवाइयां वगैरह जो हैं इसका परमानेंट हेल नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपरली अपने ब्लैडर की ट्रेनिंग ही करनी होगी। छोटा बच्चा है तो उसके ब्लैडर की ट्रेनिंग ही करवानी होगी। अब मैं एंड में आती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात के ऊपर, जो कि सब लोग जानना चाहते हैं, वो ये, क्या ये ब्लैडर या खाली होने की प्रोसेस जिसको बोलते हैं या बेड वेटिंग की प्रॉब्लम सारी उम्र रहती है या कब तक रहती है? तो फ्रेंड्स, ये कभी भी सारी उम्र नहीं रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके ब्लैडर पे कंट्रोल होने लगता है और बच्चा अपने आप यूरिनेशन करने लगता है। तो आप ये ना सोचें कि अगर अभी ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी। डेफिनेटली ये जरूर खत्म हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही है एन्यूरिसिस के बारे में। बहुत बड़ी जो है चीज नहीं है, थोड़ा कंट्रोल करें, ये चीज कंट्रोल हो जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसमें आपके प्रॉब्लम का हल जरूर मिला होगा। हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहती हूँ कि इसका कोई भी ऐसा मैजिक वैंड या कोई भी ऐसा मैजिक
ट्रीटमेंट नहीं है कि आप मार्केट में गए, दवाई ली और ठीक हो गया। नहीं, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना होगा, अपने ब्लैडर को ट्रेन ही करना होगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, दिस इज प्रियंका साइनिंग ऑफ। यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।